सिस्टम क्या होता है? डू यू नो सिस्टम? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, बिजनेस करने के भी सिस्टम है, क्योंकि हम बिजनेस की दुनिया में है, तो बिजनेस करने का भी तरीके है, सिस्टम है। नॉर्मली एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, आप जानते हैं, लाखों रुपए लगाइए, कुछ भी काम शुरू कीजिए, और फिर उसमें कोई गाइडलाइन नहीं देता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं देता है, खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। कामयाब होंगे कि फेल होंगे पता ही नहीं है, बट आदमी कामयाब होने के लिए काम शुरू करता है। अनफॉर्चुनेटली 95% बिजनेस पहले 5 से 10 साल में खत्म हो जाते हैं। ये पूरी दुनिया का दस्तूर है, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं कि पूरी दुनिया में लोग काम शुरू करते हैं और 5 से 10 साल में उसमें से 90% बिजनेस, लेकिन फिर नया बंदे आ जाते हैं, इससे नहीं हुआ ना, हम करके दिखाएंगे। कोई अपने आप को कम समझता है? लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो होता है लाखों रुपए का होता है, और कभी कभी पूरी जिंदगी का रिस्क स्टेक में लगा होता है, बट लोग लगाते हैं क्योंकि करना है, ऑप्शन है नहीं। ये पहला सिस्टम है, ट्रेडिशनल बिजनेस जो है। सेकंड सिस्टम होता है, आपने देखा होगा, फ्रेंचाइजी सिस्टम। बड़ी बड़ी कंपनियों के आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि उनके सिस्टम को आपने कैसे रन करना है, आपको सिर्फ फॉलो करना होता है, खुद बनाना नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग फीस लेते हैं, फ्रेंचाइजी फीस, जानते हैं ना? तो फ्रेंचाइजी फीस लोग पे करने के लिए तैयार है दुनिया में, लोग लेते हैं। इस एग्जांपल देता हूं, मैं आपने सुना होगा मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी, केएफसी की फ्रेंचाइजी, हल्दीराम की फ्रेंचाइजी, सुना होगा आपने, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, राइट? जैसे मैकडॉनल्ड की बात करता हूं, तो सुना है कि लगभग लगभग 40,000 के आसपास मैकडॉनल्ड का रेस्टोरेंट है दुनिया में, और हर साल हर रोज कहीं ना कहीं दुनिया में मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खुल रही होती है, हर रोज हर साल सैकड़ों फ्रेंचाइजी स्टोर खुलते हैं। उस कंपनी का जो मालिक है, उनकी डेथ हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं, और ये जो 40,000 के आसपास रेस्टोरेंट हैं, हर महीने इनको यहां से प्रॉफिट देते हैं, बोनस, रॉयल्टी। एग्जांपल, अगर एक फ्रेंचाइजी से 1 लाख भी मिलता होगा, तो 40,000 फ्रेंचाइजी से कितना होगा? 40,000 लाख, मतलब लगभग 400 करोड़ रुपए। हर महीने 400-500 करोड़ रुपए उस आदमी को उसके घर पहुंच जाते हैं, जो आदमी 20 साल पहले दुनिया छोड़ चुका है, उसके बच्चे मौज ले रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ फ्रेंचाइजी सिस्टम। बट फ्रेंचाइजी हर कोई नहीं ले सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि उस फ्रेंचाइजी में जिसमें कामयाबी के पूरे चांसेस हैं, लोग फीस भी देते हैं, कामयाब भी होते हैं, जो कर सकते हैं अफोर्ड, सब नहीं कर सकते हैं, और सबको देते भी नहीं है, इवन अफोर्ड करने वाले को भी नहीं देते हैं। वो बोलते हैं मेरी फ्रेंचाइजी के हिसाब से अगर आप चला सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ही मैं आपको दूंगा। और मैकडॉनल्ड की खास बात यह है कि वो पहले इंटरव्यू लेते हैं, आपकी से कितनी बड़ी प्रोफाइल है, अगर उनको लगता है कि आप चला सकते हो हमारी फ्रेंचाइजी को हमारे सिस्टम के अनुसार, किसके अनुसार? सिस्टम, समझ रहे हो ना? मैं सिर्फ सिस्टम समझाना चाह रहा हूं, एक ट्रेडिशनल सिस्टम, एक फ्रेंचाइजी सिस्टम, प्रूवन सिस्टम है ये, पैसे भी चाहिए और फिर इंटरव्यू भी लेना है, और सिस्टम के हिसाब से चलाओगे तो सिस्टम मिलेगा, राइट? थर्ड इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, पीपल फ्रेंचाइज सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पीपल फ्रेंचाइज सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग लोगों को फ्रेंचाइज दे रहे हैं, और इंटरव्यू भी नहीं होता, राइट? यहां इंटरव्यू भी नहीं होता है, तो कोई भी आ सकता है अंदर, जब आता है उतना बोलता मैं आग लगा दूंगा, सभी लोग यही बोल के आते हैं हम आग लगा देंगे, झंडे गाड़ेंगे, हम तो उनसे भी बहुत आगे जाएंगे, उन्होंने क्या किया 17 साल में, हम देखो 17 महीने में क्या करेंगे, राइट? पहली किस्म के होते हैं पोजर, वो दिखता है उनका, बोलते बोलते हैं करते कुछ नहीं है। दूसरी किस्म के हैं एमेच्योर, वो सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं,
अपने हिसाब से छोटे मोटे काम हो सकते हैं, छोटी मोटी टीमें बन सकती हैं आपकी, 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों को, 1000 लोगों को आप अपने हिसाब से चला सकते हो। लेकिन आप हजारों लोगों का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहते हो तो वो उससे नहीं होगा, एमेच्योर तरीके से नहीं होगा, आपको प्रोफेशनल तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल सिस्टम ये कहता है नेटवर्क मार्केटिंग का थर्ड सिस्टम, क्योंकि सेकंड सिस्टम इज नॉट अफोर्डेबल बाय एवरीबॉडी। मैक्सिमम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सपना भी नहीं सोच सकते हैं, ना तो बिजनेस का ना फ्रेंचाइजी लेने का। वो किसी का हिस्सा बने होते हैं उस फ्रेंचाइजी में या बिजनेस का हिस्सा होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, राइट? किसी और का सपना पूरा कर रहे होते हैं वो लोग, उनमें हम भी थे, हम भी किसी और का सपना पूरा कर रहे थे। तब हमें अचानक पता चला कि थर्ड काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इज टियांस इंटरनेशनल। इस सिस्टम में आपकी जो लागत है दैट इज वन टाइम गोल्ड कार्ड। जिंदगी में नोट कर लेना, जिंदगी में गोल्ड कार्ड एक बारी बनना है अपनी आईडी को, जिंदगी में ये मैक्सिमम है कार्ड, और जिंदगी में उसके बाद आपको प्लेटिनम कार्ड बनना है। उसके लिए दो लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, राइट? दो लोगों को गोल्ड बनाना है, चाहे वो ब्राउन से करे या सिल्वर से करे, गोल्ड बनाना है। ये दो काम आपने कर दिया तो लाइफ टाइम के लिए क्या बन गया? जो शख्स इस बिजनेस में पिछले 25 साल से है, जो शख्स इस बिजनेस में टॉप लेवल पे पहुंचा हुआ है, जो प्रिविलेज उसको है जो पिछले 20 साल से 25 साल से इस बिजनेस में है और इस बिजनेस में टॉप रैंकिंग पे है इस टाइम, इसको बोलते हैं एसिडिटी डायरेक्टर, एसडीडी, गोल्डन लॉयर, जो लेवल है हम लोगों के ऊपर के लेवल, जो प्रिविलेज हम लोगों को है वही प्रिविलेज एक प्लेटिनम कार्ड होल्डर को है। इतना जबरदस्त हमारे पास सिस्टम है, इतना जबरदस्त हमारे पास पावरफुल सिस्टम है, इसको हम कॉपी कर रहे हैं और ये हम लोग डुप्लीकेट करा रहे हैं। इस सिस्टम की पावर क्या है? डुप्लीकेशन। क्योंकि इस सिस्टम में आपको एक सिस्टम को फॉलो करना है, आपके पास बहुत ज्ञान होगा, बहुत नॉलेज होगा, उसको कुछ देर के लिए बाहर रख दो, कुछ साल के लिए बाहर रख दो, साल, दो साल, तीन साल, पांच साल बाद जब जेब में नोट आएंगे ना बहुत सारे, तो फिर उससे जो मर्जी ट्राई मार लो उस दिमाग से, ठीक है? उसका भी जरूरत पड़ेगी बाद में, जब नोट आएंगे ना तब भी तो चाहिए दिमाग, तो अभी दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का है। एक सिस्टम को क्यों बताया गया है कि सिस्टम इज अ पावरफुल थिंग्स, इस सिस्टम को फॉलो करना है तभी वो पावरफुल है। कोई भी हथियार का पावरफुल है जब उसको यूज करोगे, पड़े पड़े तो एटम बम भी क्या करेगा, नो यूज। एटम बम भी वैसे ही है, बारूद का गोला, लेकिन वो कहीं यूज हो गया तो ही उसका बेनिफिट है, राइट? चाहे वो एनर्जी जनरेट करने में, या आज की डेट में बहुत सारे काम होते हैं एटम पावर से, या हाइड्रोजन पावर है ना, जितने न्यूक्लियर पावर्स हैं इसके फायदे भी हैं अगर उसको राइट डायरेक्शन में यूज करते हैं तो सिस्टम है ये। तो हमारे पास जो सिस्टम है हमें उस सिस्टम को फॉलो करना है। नंबर वन रूल है ये, आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, अगर आपको फ्रेंचाइजी सिस्टम में कामयाब होना है तो आपको फ्रेंचाइजी को फॉलो करना पड़ेगा, मैकडोनाल्ड की बातें फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका मैकडोनाल्ड का बिजनेस नहीं चलेगा। वहां पे कंडीशन भी है, वहां इतने पैसे देने के बाद भी वो इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं, अगर सही नहीं पाया गया तो उसको कैंसिल भी कर देते हैं, वो पावर है उनके पास, वो एग्रीमेंट साइन कराते हैं पहले से। कोड ऑफ इथिक्स बोलते हैं इसको, कोड ऑफ इथिक्स, वर्क इथिक्स, काम करने के एथिक्स हैं, रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना है। जो लोग उसको नहीं फॉलो करते हैं उनकी फ्रेंचाइजी मैकडोनाल्ड रद्द कर देती है, चाहे आपने 1 करोड़ लगाया, चाहे 2 करोड़ लगाया, चाहे 5 करोड़ लगाया। लेकिन इस बिजनेस में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यहां पर भी है कोड ऑफ इथिक्स, रूल एंड रेगुलेशन यहां पर भी है, इसको हमें फॉलो करना है। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो उसमें एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग साइन करते हैं, पहले हम साइन करते थे, अभी हमें एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब हम पूरा सिस्टम में लॉगिन करते हैं, अपनी ज्वाइनिंग करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो पहले आपको पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उनको फॉलो करना इज लाइक अ थंब रूल।
अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे यू विल बी इन ट्रबल इन फ्यूचर, बिकॉज अगर रॉन्ग हैबिट है तो आपको कहीं ना कहीं, जो लोग रेड लाइट में देखते हैं ना कोई नहीं देख रहा है और जंप मारते हैं, तो कभी कभी ऐसे जंप मार जाते हैं देख तो कोई नहीं रहा होता, फिर वो पकड़े जाते हैं आगे बैठा होता आगे, उसको पता है ना ऐसे उछल के आएंगे वहां जाके खड़े हो जाते हैं, अरे भाई साहब आप तो यहाँ पे नाम है हमें पता है, कुछ लोगों को आदत है ना। तो उसमें देख लेना आप यूट्यूब में या अपना गूगल बाबा में पत्थर होता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग, कौन पहचानता है उसको, थ्योरी पहचानता है राइट, उसकी वैल्यू कब बनती है जब उसको तराशा जाता है। इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क का नाम जो रखा गया था कि हमारी नजर में हर इंसान डायमंड है, जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो बोलता है मुझे कामयाब होना है, मुझे चमका दो, मुझे अनमोल बनना है, मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है सर त्राश दो, तो कहां आना पड़ेगा, आप घर तो कोई नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। ये जो मीटिंग्स हैं, जो भी मीटिंग्स होंगी, जो भी ट्रेनिंग्स होंगी, जो भी सेमिनार्स होंगे हमारे, वो क्या है, वो त्राशने की मशीन है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। अगर आप मीटिंग में आ रहे हो, आप ट्रेनिंग में आ रहे हो, सेमिनार में आ रहे हो, इसका मतलब सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो इसका मतलब रिजल्ट आना ही आना है। अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हो, सेमिनार में नहीं आ रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, सिस्टम ने बोला आना है, आपके पास 1000 रीजन हो सकते हैं नहीं आने के, लेकिन सिस्टम क्या कहता है आना है, मीन्स ऑनर द सिस्टम, ऑनर मीन्स रिस्पेक्ट द सिस्टम। जब रिस्पेक्ट करोगे तो ही मिलेगा, जब तक हम करेंगे नहीं सिस्टम के लिए तो सिस्टम आपके लिए कभी कुछ नहीं देगा। और कईयों को मैंने देखा है क्या करेंगे, मीटिंग में जाके, ट्रेनिंग में जाके क्या करेंगे, सेमिनार में जाके क्या करेंगे, अच्छा बाल सर आ रहे हैं तो सुन रखा है। मैं जब आप लोगों को सिखा रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, यकीन करना उस दौरान में मैं खुद भी सीख रहा होता हूँ, मतलब मैं खुद भी सीख रहा होता हूँ, सोचो कितना बड़ा चमत्कार है कि एक आदमी सिखाने के लिए आएगा, कल को आप सिखाने जाएंगे, सिखाते सिखाते आपके अंदर फीलिंग आ जाएगी बेटा सही बात बोल दी मैंने, बड़े काम की बात है, ये मेरे भी काम आने वाली है। इट इज लाइक अ रिमाइंडर। जब आप किसी चीज को रिपीट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो क्या होता है वो, दैट इज अ रिपीट, रेपिटेशन इज अ प्रोसेस टू रिमाइंड एनीथिंग। अगर किसी भी चीज को याद करना है तो उसका एक ही तरीका है, उसको आपको रिपीट। एजुकेशन सिस्टम है ये, IDNET इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क एक एजुकेशन सिस्टम है, लाइक TIENS इंटरनेशनल एक सिस्टम है हमारे पास, जो हमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देगा, जो हमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज देगा, जो हमें बहुत सारे प्रमोशंस देगा उस बिजनेस को बेटर करने के लिए, और हमारे को बोनस देगा। ये किसका काम है, TIENS इंटरनेशनल बिजनेस का काम। लेकिन इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क क्या करेगा, वो एक माहौल देगा, वो एक कल्चर बनाएगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेगा, प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम। अगर आपको इतने लोग इकट्ठे करने पड़ते तो क्या कर पाते आप, अपने आप से पूछना आप, इतने लोग आप पर्टिकुलरली खुद आप इकट्ठे कर पाते, लेकिन सभी लोगों ने कोशिश की और एक सिस्टम के अंदर हमने काम किया तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। आप अगल में देखोगे, बगल में देखो, पीछे देखोगे, आगे देखोगे तो आपको लगेगा मैं अकेला नहीं हूं, बड़े सारे लोग हैं। अच्छा इतने सारे लोग लगे पड़े हैं, कुछ करना है हमारे, मेरे को ऐसी टीम खड़ी करनी है राइट। ये फीलिंग कब आएगी आपको, जब आप सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होंगे। मुझे इस इंडस्ट्री में मोर देन 20 ईयर्स हो गए, TIENS के साथ मुझे 17 साल हो गए हैं। मुझे आज तक याद नहीं है कि पिछले 17 साल में मैंने कोई सिंगल मीटिंग भी मिस की हो। लगभग 17 साल में
मैं 46 कंट्री घूम चुका हूं, 46 कंट्री इंटरनेशनल टूर ले चुका हूं।